साथ बेशुमार गम नहीं कोई मेरे यार ओ फ्रॉडी चाहती हूँ कि ये बताइएगा सबसे पहले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन से बकौल आपके आपने मिलाया तीन दफा कहाँ क्यों और कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि ये हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब से मैंने उनको मिलवाया और ये उनकी अपनी ही ख्वाहिश और दरख्वास्त पे ये मुलाकातें हुई। नहीं बोल सकता। अब पहले इसी इशू को लेते हैं। इनके जो सेक्रेटरी साहब हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, उन्होंने फरमाया था कि ये मुलाकातें नहीं हुई। आज मैं चाहता हूं कि पहले आप इनसे पूछें, नवाज हो सकता है नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा हो या ना कहा हो, कि पहले वो ये बताएं कि ये मुलाकातें हुई या नहीं हुई। अगर वो अब भी इससे मुसर हैं कि ये नहीं हुई, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि सिद्दीकुल फारूक साहब अपने जितने भी साथियों को साथ ले आए, मेरा भी एक साथी उनके साथ बैठ जाएगा और ये साबित करेगा कि ये मुलाकातें हुई। जब ये साबित हो जाएगा कि ये मुलाकातें हुई या अगर वो मान जाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि आप उन्हीं से पूछें कि ये मुलाकातें क्यों हुई, किस लिए हुई और वो क्यों चाहते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी जरूरी बात है कि हमारे लीडरों के सबसे बड़े प्रॉब्लम है कि ये बेवफा लोग हैं और ये झूठ बोलते हैं, अमानत में खयानत करते हैं और ये वादा खिलाफी करते हैं। ये बताइए कि ये मुलाकातें, सबसे पहले एक तो ये कि ऑब्वियसली उन्होंने डिनाय किया है, क्या आपके पास, आपने कहा मैं चैलेंज करता हूँ, अब चैलेंज का लफ्ज तो बहुत बड़ा होता है जाहिर है, और किसी को चैलेंज करने के लिए आपके पास कोई शवाहिद, कोई प्रूफ, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई तस्वीर या कोई ऑब्वियसली मवाद तो होना चाहिए। जाहिर है आप इंटेलिजेंस एजेंसीज में रह चुके हैं, इस किस्म की चीजें उनके पास हमेशा ही मौजूद होती हैं। क्या चैलेंज से मैं ये समझूं दैट यू आर फुली केपेबल टू प्रोड्यूस एविडेंस? दूसरा ये बताइएगा, आपने कहा उन मुलाकातों में आप भी शामिल थे, ये कब हुई, कहां हुई? मैं डिटेल इस वक्त नहीं बताना चाहूंगा जब तक के उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल जवाब मुझे नहीं मिलता, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ साहब से बड़ा वाजे तौर पर पिछले दिनों कहा था कि मुझे आपसे बहुत से गिले हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन वो अमरीकनों की नाराजगी के खौफ से शायद मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो मलकता के जब कौमी कॉन्फ्रेंस हुई तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मियां साहब मैं आपसे कुछ गिले करना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं मीडिया के सामने कर दूं? तो उन्होंने कहा मुझे अपना नंबर दें, मैंने कहा मेरा नंबर शकीरी के पास है, कैप्टन सफदर के पास है और भी आपके बहुत से लोगों के पास है। तो उन्होंने बारह मुझसे नंबर लिया, तो मैं सबसे पहले आपसे चाहूंगा, अभी भी अगर आप चाहें तो इनमें से किसी को लाइन पे लें, अगर वो इसका इनकार कर देंगे तो मेरे पास इनफ एविडेंस, जिसको एविडेंस कहते हैं वो है, उस एविडेंस का ये इनकार नहीं कर सकते। एविडेंस वीडियो ऑडियो और यही नहीं होती, एविडेंस कुछ और भी होती है, तो मैं इसको प्रूव यकीनन कर सकता हूं और ये लोग नहीं बोल सकेंगे उस पर। पर मेरा ख्याल है कि मुझे उम्मीद है कि मियां साहब अब झूठ नहीं बोलेंगे, सिद्दीकुल फारूक साहब तो झूठ बोल चुके हैं, वो इंशाल्लाह अगर सच बोलेंगे तो फिर उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी माजी में गलतियां हुई अब वो कौम के सामने झूठ, उनको वो इल्जाम लगाते हैं जरदारी साहब पर झूठ का, वादा खिलाफी का और इस किस्म की चीजों का, तो एक दफा आप अभी यहीं पर उनको लाइन पे ले लें उनमें से किसी को, तो पहले एक दफा इनकार कर दें वो, क्योंकि अभी तक मेरे सामने मियां साहब का डायरेक्ट इनकार नहीं आया। मियां साहब डायरेक्ट इनकार, फारूक साहब की जहां तक बात है, मैं आपसे सिद्दीकुल फारूक साहब जो कह रहे हैं कि मैं हर वक्त मियां साहब के साथ होता था और मुझे पता होता अगर वो मिले होते, तो सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे साथ एक ही दफ्तर, मेरे दफ्तर में काम करते थे, मेरे ही साथ उनकी मुलाकात हुई पहली मियां साहब के साथ, और ये वाकयात उस उनकी मियां साहब से मुलाकात से पहले के हैं, तो उनका कोई भी बयान इस सिलसिले में सरासर गैर मुतबे। खालिद साहब मौजूद है, मैं एक एक्सर्ट करना चाहूंगी, अखबार में ये खबर छपी थी, इसकी तस्दीक या तस्दीक खालिद साहब आज इस प्रोग्राम में करेंगे और जब तक वो तस्दीक या तस्दीक नहीं करते प्रोग्राम भी चलता रहेगा। नवाज शरीफ वॉज लुकिंग फॉर 500 मिलियन ग्रांट फ्रॉम उसामा, उसामा गेव अ कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट, दैट वॉज अ टिपिकल सिचुएशन, उसामा वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी, पॉलिटिशियंस लाइक गुलाम मुस्तफा जतोई वर ऑल्सो आफ्टर मी टू अरेंज मीटिंग विद उसामा बिन लादेन। उसके अलावा आपने ये भी एक दफा कहा था दैट उसामा बिन लादेन, माई सेल्फ एंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेट
twice in Saudi Arabia, Nawaz Sharif kept asking me, मनना है कि नहीं, यानी कि पैसे देने पर माना है नहीं, इस पर हम बात करेंगे। बट इस वक्त मोहम्मद अली दुरानी, मैं आपकी तरफ दोबारा आना चाहूंगी और मैं आपसे अब ये सवाल करूंगी, दो टोक और आप क्योंकि एक सीधे और सच्चे इंसान हैं और आप अब इस हद तक आपने अभी सच बोला है, मेरे इस सवाल का आप दो टोक जवाब दे दें, आज आवाम को ये सच बता दें और इससे पर्दा उठा दें, क्योंकि आप हकायक देर तक नहीं छुप सकते। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात कहाँ हुई, पहला सवाल। उसामा बिन लादेन से किन मामलात और अमूर पर बातचीत हुई, पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है, पाक अफवाज वो जंग लड़ रही है जहां रोज शहादतें उठाई जा रही हैं, तो ये बताएं इन मुलाकातों में क्या बातचीत हुई और क्या मकसद था। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके टीवी पे चल रहा है कि मुलाकातें तीन हुई, तीन से मुलाकातें ज्यादा हुई, तकरीबन पांच मुलाकातें हुई और मुख्तलिफ जगहों पे हुई और इनकी तफसील भी मुझे मैं बता दूंगा। डिनाई कर चुके हैं ना, चले ठीक है, मैं कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर रहनुमा को भी दावत दूंगी, आपको भी दावत दूंगी। आपने कहा पांच से ज्यादा मुलाकातें हुई, मुझे ये बताइए कहाँ हुई और जी कम अज कम पांच मुलाकातें हुई। हम उसी मुलाकात उसी में मैं भी चाहूंगा, बल्कि एक नहीं उनके लोग हों और मैं उनके सामने कुछ गवाहों कम अज कम एक गवाह बिठा दूंगा जो कि बिल्कुल हर चीज साबित कर देगा। और दूसरा ये है कि मैं जो असल में जो इल्जाम है, मैं कहता हूं उसामा से मुलाकात करना तो कोई बुराई नहीं है, आखिर उसामा से मुलाकात हुई, असल तो उनका जुर्म है। ये जो अमरीकनों की गोद में घुसे हुए हैं वो लोग जो कि हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिन्होंने हमारी बेटी आफिया को अगवा करके ये जुर्म कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। जो असल जो प्रॉब्लम है नवाज शरीफ का वो ये है कि ये बेवफा हैं, मोहसिन कुश हैं, मोहसिन के साथ बेवफाई जरूर करते हैं। इनके सबसे बड़े मोहसिन थे आसिफ सईदुद्दीन वरदत, जिन्होंने हमें ब्रीफ किया, जिन्होंने हमारे तमाम अरब दोस्तों को कन्विंस किया नवाज शरीफ साहब के लिए, और सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं को डिच कर दिया और उनको अलग कर दिया। हालांकि उन्होंने इनकी इलेक्शन कैंपेन की, उन्होंने इनके लिए हमें कन्विंस किया, हर बंदे को कन्विंस किया और तमाम इनकी ताकत को बनाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो बिन लादेन साहब से जो मुलाकातें हुई, बेसिकली वो सऊदी रॉयल फैमिली में अपनी एंट्रेंस और उनसे बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए उसामा बिन लादेन को एक मैं ये समझू एक स्टोरी बना के इस्तेमाल किया गया। थोड़ी सी स्टोरी इससे डिफरेंट है, ये हमारी प्लानिंग थी, हम चाहते थे कि पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम हो जहां सिर्फ अल्लाह ही की हाकिमियत हो और पाकिस्तान का हुक्मरान वो हो जो पाकिस्तान पर अपना हुक्म न चलाए बल्कि अल्लाह की हाकिमियत को पाकिस्तान में नाफिज करे और शरीयत को नाफिज करे। जनाब नवाज शरीफ साहब ने हमसे ये वादे किए, यहां पे भी किए, हरम में भी किए कि आप यही होगा, पाकिस्तान में अल्लाह की हाकिमियत होगी, शरीयत का कानून होगा। तो पूरी दुनिया में जो जहाज अफगानिस्तान पर इस्लामिक लीडर की लॉबी थी उसमें हमने लॉबी किया कि अगर नवाज शरीफ साहब को ताकत मिलेगी तो उस सूरत में अल्लाह की हाकिमियत को कायम करने का जो हमारा ख्वाब है उसमें ये मददगार साबित होंगे। उन्होंने अच्छा, किस्म के वादे अच्छा, किए। अच्छा, अच्छा, तो इंटेलिजेंस एजेंसी का उस वक्त प्लान ये था कि एक सेक्युलर पॉपुलर गवर्नमेंट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो इमर्जिंग स्टेट थी उनको खत्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया में इन करवा के बिन लादेन से फंडिंग करा के मुजाहिदीन का तमाम कर सिलसिला जारी और सारी यानी कि ज्यादा की बाकियात चलती रहे और अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश तो जो आपने आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब के दिल में तकलीफ रखते हैं। इनका जो मेरे पास तारुफ है वो है अली अहमद मेहर साहब, आप सीनियर तजिया निगार और अरब न्यूज नेटवर्क से आपका ताल्लुक है। मैं इनको खुश आमदेद भी करना चाहूंगी लेकिन मैं चाहूंगी कि ये अपना तारुफ जरा खुद करा दें कि ये किस कैपेसिटी में आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं ताकि सिद्दीकुल फारूक साहब को भी पता चल जाए और हम बहस का आगाज कर सके। शुक्रिया, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से अपना इतना तारुफ कराना जरूरी समझता हूं कि उसामा बिन लादेन और मियां नवाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं उनमें से बाद मुलाकातों में मैं एज अ ट्रांसलेटर मौजूद था। अहमद मेहर साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, आपने कहा कि आपने एज एन इंटर
बात यह है कि जब एक ट्रांसलेटर किसी जगह ट्रांसलेट कर रहा होता है और मुझे कई जो है वो आला बैरूनी शख्सियात और पाकिस्तानी शख्सियात के दरमियान बतौर ट्रांसलेटर काम करने का मौका मिला है, मैं उन मुलाकातों का अमीन हूँ। मुझे ये किसी ने अख्तियार नहीं दिया और मेरी हैसियत का तकाजा है कि उन मुलाकातों में क्या गुफ्तगू हुई और मैं उस पर रोशनी डालूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये मुलाकातें हुई, जद्दा में भी हुई, लाहौर में भी हुई और मैं वहां बतौर ट्रांसलेटर मौजूद था। मिस्टर फ्रॉडी है, बस इन